नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट नाइन न्यूज स्टेशन में। मैं हूं पीयूष शर्मा। तो बात करते हैं एससी की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। हालिया में अगर आपने देखा होगा कि खबरें बहुत चली थी कि नुपुर शर्मा पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। वो टिप्पणी क्या थी कि नुपुर शर्मा को पूरा का पूरा जो ठीकरा है, जो देश में अभी हुआ था हालिया में, दंगे फसाद हुए उदयपुर में, देखिए कि हिंदू की गला काट कर हत्या कर दी गई थी, महाराष्ट्र के अमरावती में जो हत्या की गई थी, तो सबका ठीकरा जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस पर्दीवाला और जस्टिस सूर्यकांत ने, इन दोनों जस्टिस ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उन दोनों ने पूरा का पूरा ठीकरा, जो पूरे देश में, भारत में इतने सारे हिंसात्मक घटनाएं हुई है, जो कत्ल हुए हैं, वो उनका सारा का सारा ठीकरा नुपुर शर्मा ने नुपुर शर्मा पे करा दिया। अब इसको लेकर आप देखिए, यहाँ पे रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, यानी कि आईएएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी, इन सब ने आप मिलकर जो करंट में जो सीजीआई, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट के सबसे ऊंचे पद पर वाले जज, यानी कि वो है एनवी रमन्ना, तो एनवी रमन्ना, सीजीआई एनवी रमन्ना को उन्होंने, इन सब ने मिलकर, यानी कि आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर और लगातार जो जज हैं, 15 जज की अगर मैं पूरे एक संख्या की बात करूँ तो यहाँ पे 15 जज रिटायर्ड 15 जज सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने खत लिखकर बोला है एनवी रमन्ना को कि ये सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है, यानी कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे बी पारदीवाला की जो टिप्पणी करी है नुपुर शर्मा को लेकर, वो उन्हें वापस लेनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो टिप्पणी की गई है वो एक, आप देखिए कि एक सोच को दर्शाती है, यानी कि सोशल मीडिया के प्रभाव होकर शायद ऐसा हो सकता है कि दोनों जगहों ने इसमें टिप्पणी कर दी हो, तो इसको लेकर ही बिल्कुल पूरा का पूरा मामला अब राजनीतिक बन गया है। क्योंकि अगर इसमें देखा जाए तो जो दोनों जस्टिस हैं, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे बी पारदीवाला, इन दोनों ने नुपुर शर्मा को एक ओपिनियन के मैटर में, हो सकता है, या फिर आप देखिए कि जो पूरी की पूरी टिप्पणी की गई सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, वो एक पक्षपात का रूप हो सकता है, उसमें थोड़ा सा पक्षपात लेके उन्होंने ऐसा कर सकता है, ऐसा हो सकता है। इसी के चक्कर में आप देखिए कि जो 15 जजेस हैं और 73 जो आईपीएस, आईएएस और आईएफएस ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड जो हैं, फॉर्मर जो होते हैं, उन्होंने सीजीआई एनवी रमन्ना को साफ साफ खत लिखा और खत में बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के जो दोनों जज हैं वो अपनी जो टिप्पणी है उन्हें वापस ले और सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा रवैया पेश की जाए। उन्होंने साफ साफ इसमें अपने खत में बोला है कि जो हो रहा है आजकल सुप्रीम कोर्ट के, देखे बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं बनाया कि वो लगातार किसी भी मामले में टिप्पणी करते रहे, क्योंकि आज तक देखिए बहुत कम ही ऐसे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हमें दिखाई देती है, वो भी सिर्फ एक पक्ष के खिलाफ। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो नुपुर शर्मा के ऊपर ही सारा का सारा ठीकरा फोड़ दिया गया है। यहाँ पे साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस सूर्यकांत और पारदीवाला है, उन्होंने साफ साफ नुपुर शर्मा को इसमें दोषी ठहराया और साफ साफ बोला है कि आप टीवी पर आकर इसकी उसमें माफी मांगे पूरे भारत के सामने। तो इस चीज को लेकर देखिए कि पूरा का पूरा विवाद छिड़ गया है। अब जो पूर्व जज हैं वो भी लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखिए दोनों जज हैं उन्होंने ये गलत किया है, ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी के लिए नहीं बैठा यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के पास और भी काम है। अगर ये टिप्पणी ऐसे ही करता रहा सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस पहले से पेंडिंग है वो और भी पेंडिंग होते जाएंगे। तो लगातार इस पर राजनीति चल रही है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ अपने दर्शकों से, आपका क्या सुझाव है इसमें? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही करा है सब करके? सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है नुपुर शर्मा की, क्या वो एक तरफा थी या फिर वो करना जो टिप्पणी करी है सुप्रीम कोर्ट ने वो सही थी? हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल इसका उत्तर दो। अगर ये वीडियो आपको सही लगी तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।